न्यूज तक अब नए अंदाज में। क्या आप इलॉन मस्क की सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेसएक्स के साथ काम करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो बता दें कि भारत में स्पेसएक्स कर रहा है हायरिंग। किन पोजीशंस के लिए हो रही है ये हायरिंग, आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं निधि तनेजा और आप देख रहे हैं न्यूज तक, जो अब आपके सामने एक नए अंदाज में पेश है। याद रहे कि सिर्फ रंग रूप बदला है, कोशिश अब भी वही है कि आप तक देश दुनिया की सभी जरूरी खबरें न्यूज तक वाले अंदाज में पहुंचाते रहें। तो बता दें आपको, स्पेसएक्स इस वक्त भारत में दो पोजीशंस के लिए कर रहा है हायरिंग। ये दो पोजीशंस क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि एग्जैक्टली स्पेसएक्स अपने किस विंग के लिए ढूंढ रहा है ये दो उम्मीदवार। दरअसल स्पेसएक्स अपने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आर्म स्टारलिंक के लिए तलाश रहा है ये दो रॉकस्टार्स। जी हाँ, ये दो रॉकस्टार का टर्म का इस्तेमाल यहाँ किया गया है पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए। ये दो पोजीशंस होंगी डायरेक्टर ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। स्टारलिंक के कंट्री हेड संजय भार्गव ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिखते हुए ये जानकारी दी। आपको बता दें ये दोनों ही पोजीशंस फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाली पोजीशंस होंगी। अब इन दोनों रोल से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी यहाँ जान लीजिए। इन दोनों पदों के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको बताते हैं क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अगर आप डायरेक्टर ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास कंप्यूटर साइंस में या फिर किसी और इंजीनियरिंग फील्ड में बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। साथ ही बड़ी कंपनियों, कम्युनिटीज या एसोसिएटेड स्टेक होल्डर्स के साथ डेवलपमेंट वर्क में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना भी यहाँ मैंडेटरी है। बात करें दूसरी पोजीशन की, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। इस पोजीशन के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ ही एग्जीक्यूटिव लेवल पर 3 साल से ज्यादा काम करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ काम करने का अनुभव भी होना जरूरी है। इसके अलावा डिटेल जानकारी के लिए और इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा www.spacex.com/careers पर। इन्हीं हायरिंग्स पर अपडेट देते हुए स्टारलिंक कंट्री हेड संजय भार्गव ने बाद में अपडेट दिया और कहा कि चूंकि इन दो पोजीशंस के लिए ढेरों एप्लीकेशंस आई हैं, इस वजह से वो आगे आने वाली एप्लीकेशंस को तब तक के लिए पॉज पर डाल रहे हैं जब तक कि पहले वाली एप्लीकेशंस कंसिडर की जा रही हैं। ये पूरा हायरिंग प्रोसेस चल रहा है स्टारलिंक के लिए, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था। आपको बता दें कि इलॉन मस्क भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा देना चाहते हैं और इसे अगले साल यानी 2022 में उतारने की बात हो रही है। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अगले साल इसका पूरा प्रोसेस पूरा कर लेगी। दरअसल अभी देश में रेगुलेटर से अप्रूवल की प्रक्रिया चल रही है। स्टारलिंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक $99 यानी करीब 7200 रुपए में इसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि ये अमाउंट पूरी तरह से रिफंडेबल है। बता दें कि स्टारलिंक का उद्देश्य 2027 तक या इस साल के बीच तक 42,000 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च करने का है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। इलॉन मस्क की कंपनी यूजर्स के बीच धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है, जिसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मई महीने तक कंपनी के पास 5 लाख से ज्यादा प्री ऑर्डर आए थे। क्योंकि कंपनी के कदम अब धीरे धीरे भारत की तरफ हैं, इसलिए उम्मीद ये भी की जा रही है कि धीरे धीरे और जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट के और रास्ते इलॉन मस्क की कंपनी भारत में खोल सकती है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज तक और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा।